It's good to be here. It gives me a reason to get out of the house. Varna main padha rehta hu. Meri hobby hai letna. Aur passion bhi. Meri life mein kuch bhi hota hai main let jata hu. Achhi cheez gandi cheez bas let gaye. Sochna hi nahi hai uske aage. To main hafte bhar pehle ghar pe padha hua tha. Aur mujhe SMS aaya. Jisme likha tha kya aap motape se pareshan hain. Send Y for yes or N for no. तो मैं वेला हूं और मुझे नया दोस्त बनाना था तो मैंने SMS कर दिया Y. फोन आ गया, सर आप मोटापे से परेशान हैं? मैंने कहा Y. कहता है क्या वेट है आपका? मैंने कहा नहीं, मैं पतला हूं, मैं बस मोटापे से परेशान हूं. क्यों होता है दुनिया में मोटापा? क्या इंसान समझ नहीं पाया कि शरीर ही उसकी इकलौती संपत्ति है? सेहत ही सब कुछ है दोस्त. उसने फोन काट के मैसेज किया एन. तो मैं लेट गया फिर, और क्या है. मैं अपना सारा समय बर्बाद कर देता हूं. I'm 26, this is the prime of my life and I'm wasting it. मैं दिन भर कुछ ना कुछ लैपटॉप पे देखता रहता हूँ. मास्टर शेफ के 10-10 एपिसोड दिन में स्ट्रीम करके देखे हुए हैं मैंने. 10-10. I was watching season 8 of Masterchef Australia and I saw the greatest act of bravery and stupidity that I've seen at the same time. There was an Indian contestant, her name is Nidhi. The stakes are as high as they can be. This is the greatest cooking competition in the world. उसने भजिए तल के खिला दिए यार. भजिए मास्टर शेफ पे. आई वाज लाइक अखबार में बांध के दे देना धागे के साथ, मेहनत क्यों करनी है. उसके सामने तीन सेलिब्रिटी शेफ्स खड़े थे. सेलिब्रिटी शेफ्स एंड देयर माइंड्स आर ब्लोन. दे कांट बिलीव कि किसी ने बेसन के अंदर प्याज डुबा दिया. बंदा पैक हो गया. ही इज लाइक ओह माय गॉड, निधि द बाजी इज सो ब्यूटिफुल. It's so crisp on the outside and then inside it's oozing with flavor. It's got such a lovely flavor profile. It's rustic and it's nostalgic. It's delicious. Nidhi, it's an explosion. It's a symphony in my mouth. I'm like 7 rupees ka milta hai uncle sadak pe. 7 rupees ki cheez hai wo. Cigarette usse zyada mehengi hai. लोग मौत पे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तुम्हारे भजिए से. और निधि दुनिया की अकेली इंसान है जो अपने सपने पूरे करने के लिए भजिए तल रही है. वरना सिर्फ वो लोग तलते हैं जिनके कभी पूरे नहीं हुए. जस्ट थिंक अबाउट द अदर कंटेस्टेंट्स मैन. मुझे उनके लिए ज्यादा बुरा लग रहा था. बेचारे मेहनत कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि जो मिल गया तल देंगे. वो लोग ऐसी डिशेस बना रहे थे जिनको खाने के लिए मुझे FD तोड़वानी पड़ेगी. वो अपनी डिश ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ है. They're like, this is a homemade chocolate ice cream. उसके आसपास व्हाइट चॉकलेट का घर है, उसके ऊपर डार्क चॉकलेट का मुकुट है, नीचे से धुआं निकलेगा, बाजू से आदमी निकल के सलाम करेगा. बगल में निधि खड़ी है. She's like, पकौड़े पकौड़े खाने हैं किसी ने? मैं पकौड़े लाई हूँ. नहीं, मैं सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, मैं सोचा उनके लिए पकौड़े बना दो. आई एम नॉट अ रियल कंटेस्टेंट. मैं टीवी पे देख रही थी, थाली लेके आ गई. द अदर कंटेस्टेंट्स वर सो सीरियस. दे वर सो सीरियस अबाउट व्हाट दे हैड टू डू. द जजेस वर गोइंग अराउंड एंड आस्किंग देम, क्लेयर व्हाट आर यू प्लानिंग टू मेक. क्लेयर इज नॉट मेसिंग अराउंड. शी इज लाइक ऑलराइट गैरी, my protein is duck. It adds a certain amount of sweetness to the dish. I need to cut that with some acidity from lime zest, but I also need to have a creamy element, so I might experiment with a cauliflower puree. And then later on, in order to balance the textures out, I might need to have a crunchy element. So I might make a sesame twill if I have the time. Nidhi ne kya socha? She was like, mausam bada pyara ho raha hai. थोड़े भजिए तल देते हैं, रेडियो पे किशोर कुमार लगा देंगे, मजा आ जाएगा भाई.
समा है सुहान भजिए खा रहे ऑस्ट्रेलियन लोग फॉर नो रीजन देयर इज नो रीजन पहले मैंने ये देखा एंड आई वाज लाइक यार मुझे हंसी आने लग गई निधि पे देन आई थॉट जो भी है कम से कम जॉब तो नहीं कर रही है किसी ऑफिस में तो नहीं फंसी हुई है क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ है ऐसी नौबत कैसे आ गई अब सब साउथ बॉम्बे में रहते हो फैमिली में प्रिविलेज है अभी भी बैंक दे दी ज्यादातर जिंदगी किसी घटिया बॉस को सी आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज साइलेंस इन द रूम राइट नाउ बिकॉज़ यू गाइस आर लाइक गेंडे यही कड़वी सच्चाइयां भूलने के लिए तो यहां पे आए थे ठीक है आई गेट इट पर मैं याद दिलाने आया हूं और माइक मेरे पास है तो देख लो क्या करना है आप लोग बॉम्बे में रहते हो आपको जॉब करने की क्या जरूरत है बॉलीवुड ज्वाइन करो यार इतना तो आसान है सी आई अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू बी एन एक्टर और अ डायरेक्टर यू नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स पर गंदा लिरिसिस्ट लाइक अच्छा नहीं बुरा लिरिसिस्ट मैं कह रहा हूं वो तो कोई भी बन सकता है ना यार आठ दस ही तो शब्द है हम सफर दिलरुबा बेवफा जाने मन मिला के देखो क्या बनता है बीच में दो बार सेक्सी बोल देना पक्का हिट हो जाएगा म्यूजिक डायरेक्टर गंदा म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा नहीं बनना ही नहीं अच्छा खराब वाला बनने में इतना फायदा है इंटरनेट से चुराना ही तो है बस और क्या करना है मेरे से घर से बाहर नहीं निकला जाता बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट प्लेज एट पब्लिक प्लेसेस मेरी देसी लुक मेरी देसी मर गए गोरे 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 हम लोग एक पूरे इंसान का पूरा दिमाग लगा थके ये सोचने के लिए क्योंकि छह छह साल के बच्चे टहलते टहलते जो आवाजें निकालते हैं ना वो भी इससे बेटर होती है जस्ट बी अ बैड म्यूजिक डायरेक्टर ऑल यू हैव टू डू इज इंटरनेट से चुराना है बस इसीलिए मुझे आजकल के बॉलीवुड के लिए इज्जत नहीं है मुझे पुराने बॉलीवुड के लिए इज्जत है उनका ऐसा नहीं था कि इंटरनेट से चुरा लेंगे और हो जाएगा नहीं वो चुराने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करके जाते थे ठीक है वो लोग लेजेंड्स थे खुद के पैसे से यूएस जाते थे एल्विस प्रेस्ली के कॉन्सर्ट पे एल्विस स्टेज पे आता था हु मेक्स माई हार्ट बीट लाइक थंडर देयर लाइक ठीक है भाई ये वाला तो याद रह जाएगा देन दे वुड कम बैक कौन है जो सपनों में आया लगे हुई ना बात ये हुई ना बात कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो इनको कुर्ता पहन के चुराया है वाह